سامي جي سامي جي سب سو رہا تو کیا ہو جائے گا ہم اپنے کافی رہے ہیں ہم سے بات کیجئے آہ کیسا نہ कुशल सब लोग ठीक है लेकिन खुशी वाली बात है स्वामी जी की छोटी की लड़का हुआ है क्या लड़का हुआ है हाँ छोटी रानी को हाँ अब जो है महारानी कब लोग छोड़ा महारानी को आज बाद इनको जो है नाम पड़ा हुआ था सारा खत्म हो गया क्यों नहीं स्वामी जी महारानी अगर छोटकी के बच्चा स्वामी जी हुआ तो हम भी तो माँ वाली कहेंगे ना तो हम छब महारानी को जो है बालक तक भी नहीं हुआ अभी तक इनका आर के मशीने खराब रहा क्या जोर जोर नहीं हुआ सुनिए स्वामी जी सौ के एक बार अगर नहीं हुआ हम लोग से छोटकी के तो हो गया अगर छोटकी के हो गया तो हम भी तो छह सतर माँ वाली कहा हाँ हाँ ये तो सच बात है दोनों महारानी के एक बालक ने जन्म ले लिया हाँ क्यों तुम लोग छह महारानी जो है माँ वाली कहलाओ हाँ जी महारानी तो दिखाइए मुँह देखिएगा हाँ ऐसे नहीं दिखाएंगे स्वामी जी हम को लिए लाइएगा बनारस की साड़ी तब दिखाएंगे एक सोने का चैन एक झुमका तब दिखाएंगे ओ बनारस वाला साड़ी स्वामी जी कितना दिन के बाद इस सोनापुर में खुशी आया है स्वामी जी आज लुटाइए सोना चांदी बधाई बजाइए आपको तो खुश रहना चाहिए बहुत Thank you.
छाव सौतन के मन में लज्जत लगा है। छाव सौतन को जो है कितना दिन के बाद सोनापुर में खुशी आया है। छाव सौतन के लहंगा बनारस साड़ी और सब कुछ छाव सौतन के लिए छाव महारानी के लिए मैं लेकर के आऊंगा। लहंगा भी जो पहनती है लहंगा, जो साड़ी पहनती है साड़ी, देखो दे दीजिए हमको, दे दीजिए ना हमको, नहीं है सोना के दे दीजिए ना स्वामी जी। इसमें से जो है छाव महारानी पसंद करके और ले लेना। और जो है स्वामी जी हमको नहीं दी, हम नहीं दिखाएंगे मुंह बच्चा के हमरा गोदी महारानी ला हमरा ला। बाप रे राले भर दे सूत अभी ले महारानी, जल्दी दिखा दो बालों को क्योंकि सुबह हो गया। दिखाओ नहीं सौती हाय जुदी ने दिखाई भाई हो सामी जी। सूरज कहो या चंदा, तुझे तुम कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन बालक में वो दिख के हो तो बुझला हो तो हमारा सोना मालिक से संपर्क करियो। मालिक के हियाँ चिमनी खुल रही है, रंग बिरंग के ईटा निकले है मालिक के घर में से। मदद कर
के हो बोला महारानी सब हो तो तोरा घर में से ईटा निकलो तो ना कहिए जे चिमनी के भट्टा खुल ले जो महारानी को बालक जो है हुआ है तो मजाक करी स्वामी जी मैं क्यों मजाक करूंगी बक हमको क्या लगा करोगी ए सौदा स्वामी जी छोटी के बहुत बड़ाई करते थे कि छोटी ए है ओ है मतलब बहुत मान दान हम तो कोई ऐसा उड्डयन है नैहर के बच्चा तो हुआ है लेकिन सोयरी घर में बच्चा के हम मुंह से कैसे बोलते
बच्चा के चिबा गया है। अच्छा उत्तर के ईटा देखबे नहीं कि हमको गोदी में दे दिया स्वामी जी कि अंदर में क्या है कि नहीं है। क्या तुमने देखा है? नहीं जाके पूछिए। सुनो चाय छोच भी को ऐसे खा सकते पकड़ के जी छाप आपने के जल्दी जाओ। चल के चल के चल चल महारानी कहीं स्वामी आहे काहे ला जो बालक को जो है तुम्हारी बरकी दीदी दिखाई है क्या मेरा बालक को दिखा दो? दिखाइए स्वामी। अगर दिखाइए
يهي بالغ جو ہے چھوٹی رانی نے پیدا کر کے اور یہاں سے گئی ہے نہیں سامی میں تو بالغ پیدا کی ہوں مجھے دیدی کا بولا دیدی اگر کیسا نہ آئی هم تو جانا چاہیے سب کچھ پہلے مہرانی کے لے آ تمہارا باپ کوئی وشواس نہیں کرے گا ملکینی ہتیائی اے مل چننی برکی چھٹلی مجلی سجلی اجری پجری والی سا مہاراج یاد کی ہے جائیے تو سامی جی یاد کی ہے مہرانی پرنام سامی جی خوش رہو ایک چھوٹی رانی کا رہی ہے جو بیوی سے تھوڑا باتچیت کرے گا تو پہلے بات کرو چھوڑو چھوڑو آیا جائی کیا بھائی دنیا دی Let's go.
बालक दे दो ना। बालक? हाँ दीदी। मैं बालक नहीं जानती छुटकी। दीदी आप तो रखी थी ना मेरे बालक को, मेरा बेटा कहाँ है? अरे जमीनिया, तुम बच्चा आपको दिया था, तुम बच्चा नहीं दिया था, तू तो ईटा पत्थर दिया था, तू तो उस दिन बच्चा के सोनी घर में चिबा गया, तुम ऐसी जमीनिया। क्या दीदी? मलकिनी तो सोनी घर में बच्चा के खा गए लो, आज अपना आर के फंसबई हवे। हमरा के फंसबई? मलकिनी ऊ वाला बात कह दिया है, अच्छी जे बच्चा के लिए फेंके से। बाप रे बाप, तोरा एगो चीज दे बाप, इस बात नहीं कहियो। खाल क्या दीदी? चीज दे भाई, चीज दे भैया, दे इस बात। चुप चुप चुप। दीदी क्या प्लेस है? अरे दुनिया, तुम तो ऐसे जोगनिया हो कि तू अपना बच्चा के सोरी घर में चीवा। तुम बच्चा बच्चा मांग रही हो, मैं कहां से दूंगी बच्चा? स्वामी जी महाराज, छोटकी जो है झूठ बोल रहा है स्वामी जी, ये तो बच्चा के सोनी घर में चिबा। ठीक है, तुम लोग जाओ अंदर जाओ, ये हकीकत बात है, चलो सौता। तब स्वामी जी सब जानते हैं, तब छावों का विचार एक है। क्या कहा छावों का? दीदी सब देने के लिए नहीं तैयार है। अरे तुम बालक को पैदा करने नहीं दिया है, कहाँ से देगा वो? आओ चारी जवान, अजीता, अच्छा बीजी। किसके तुम शामिल जितना भी हो, शामिल जितना देवे तुमको सलाम आता है।
जाओ तुमको यहां जो है सोजा बुला दे तुम चेहरा रे तो साथ साथ नहीं स्वामी जी मैं कहीं नहीं जाऊंगी मुझे अपने हाथों से कत्ल कर दीजिए मैं मर जाऊंगी दरबारी चाय करके दिलवीर सिंह के बुला के गया एक खबर पहले जाओ तलवार लेकर के आओ क्या तुम मरने के लिए तैयार हो आओ टूट जाओ चाहे कहेगा लोग सुनेगा
14 गोश के साथ 16 फिर हो 16 सिंह को ईटा खतरे में लिया है। मैं सोच रहा किसी ने इस राज का बर्बाद करना चाहता है। अभी ये उसी बात की जोश में है, दूसरे की बातें सुन नहीं सकते हैं। महाराज हाथ उठो, ये 14 कोस की तख्ताज की मालिक है आप। आज कुछ कम चल रहा है, आप अपने हाथ की देगास नहीं करते। आपके पास बहुत तरीका है, आपके पास जल्लाद है, जल्लादों के हाथ में आप भेजा दीजिए, लेकिन अपने हाथों से इसे कत्ल ना कीजिए। क्या मैं अपने हाथों से कत्ल नहीं करूं? ठीक है, जुलमी सिंह चाय करके जल्लाद के बोलो। तुम इस वक्त तुम क्यों आ गए? हाँ, इस वक्त आने का कारण है, मेरा भी थोड़ा सा इस जगह मिला है बोलने के लिए, क्योंकि मैंने खोज के लाया था। एक भीख मांग के खाती थी, भूत पकाती थी, इसके पिता अंधा था, उसके मैंने बुलाकर मैंने शादी किया, इसलिए थोड़ा सा मुझे जगह है इसे बचाने के लिए। और जाना थी जा रहा हूं महाराज। क्या देखते हो? चला जाएगा और खाली जाएगा। मालिक हुआ भगवान वही ऐसे बचा है। अरे जल्लाद, जल्लाद ये बताओ तुम होश में हो या बेहोश में? बेहोश में, होश में नहीं है। अरे बहुदा, तुम हर वक्त बेहोश में रहता है। हाँ, पीने का आदत लगा हुआ है। जलाद, हाँ कहिए। मुंह फरमा, हाँ जो मिलता है सब पी लेते हैं। सुनो,